the Son, and the Holy Spirit. Amen. Grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. A reading from the Acts of the Apostles, chapter 1, verses 12 to 14. After Jesus was taken up into heaven, the apostles returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a 7 days' journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. All these with one accord devoted themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. The word of the Lord. Thanks be to God. Eastern churches, it's a great feast. Feast of Our Lady. Our Lady of the Rosary. Christians, because some of them believe, some of them do not believe in Our Lady as Mother of God. They do not honor her. But the Catholics, Roman Catholics, and Eastern churches, they all honor. Now, we know that Mary was daughter of Joachim and Anna. Physically, yes. She was daughter of Joachim and Anna. But Jesus revealed to one Maria Valtorta and also to one Vasudha Raidan, both very holy ladies, Dharmi Narayan. God revealed and Jesus revealed and said that Mary was created even before the whole universe was created. Sari Srishti ke pahle, Ishwar ne uski srishti. And she was created at the most magnificent creation. Most magnificent. Atyant sundar sundartam srishti Ishwar ne banayi. Kyun usne banayi? Kyunki Ishwar ki yojana ke anusar, according to the plan of God, she was to be the mother of God's son. वह ईश्वर के पुत्र की माता और इसीलिए उसने जब वह अन्ना और जोकिन के परिवार में पैदा हुई, she was born निष्कलंक. She does not did not have any आदि पाप का कलम उसमें नहीं रहा. Immaculate conception. And Mary herself revealed that she was Mary Immaculate. अगर आप लूस के दर्शन को पढ़ेंगे तो उसने बर्नाब को, जब बर्नाब ने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो मेरी ने कहा था I am Immaculate Conception. मैं निष्कलंक गर्भाधान हूँ. अर्थात जन्म से ही, गर्भ धारण होने से पहले से ही वह निष्कलंक गर्भाधान. एंड गॉड लव्स हर वेरी वेरी मच एंड लिसन्स टू ऑल हर प्रेयर्स. लिसन टू ऑल हर प्रेयर्स. एंड मेरी इज द मदर ऑफ गॉड. शी इज मदर ऑफ यूनिवर्स. शी इज मदर ऑफ the church. She is mother of each one of us. वो हम सब के प्रत्येक की माता है. कलिसिया की माता है, संपूर्ण सृष्टि की माता है, स्वर्ग और पृथ्वी की माता है, वह ईश्वर की माता है.
ईश्वर की योजना के अनुसार यही सच है। और हमारे प्रभु ने उसे स्वर्गारोपित की महारानी के रूप में उसे मुकुट धारण किया है, मुकुट बनाया है, दैट इज ऑल। और इसीलिए जब कभी हमारे लोगों को कठिनाई होती है, समस्याएं आती है, वे भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आशा पूर्वक माता मरियम से प्रार्थना करते हैं और माता मरियम उनकी कठिनाइयों को दूर करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसे ही हमारी माता, उनको ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है। एक दिन की बात है, 2 सितंबर की बात है, करंदा बेड़ा में बैठा, वहाँ करंदा बेड़ा में बड़ा सेलिब्रेशन होता है 2 सितंबर को, उसके लिए मैं गया। और दूसरा दिन हमें सुबह सुबह चक्रधरपुर में काम कर कुछ प्रोग्राम में उसके लिए पहुँचना, और इतनी वर्षा अभी 2 सितंबर को, फिर भी हम लोग किसी तरह गए और रांची पहुँचे और फिर जाने लगे। उसके ठीक 2 सप्ताह पहले घाट है ना, बनगांव से इधर चक्रधरपुर में बड़ा घाट है, तो वहाँ पर 2 बसों का लूटपाट हो गया करीब 1 सप्ताह पहले। मेरा ड्राइवर डर रहा था, गंधकार हो रहा था, डर रहा है, बोला नहीं हम लोग बनगांव वगैरह चाहते हैं, बिशप कर रहे हैं। मैं बोला तुम डरो, मैं रोजरी कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ईश्वर हम लोग रक्षा करे, इतना मुझे विश्वास है। तो हम लोग जाने गए, कुटी पार करे बनगांव, पुलिस वालों ने हमें रोका और फिर एक सिपाही आके कहता है कि बड़ा बाबू जाना चाहता है चक्रधर, आप कार में ले जाइएगा। तो वो थाने लगा, बड़ा बाबू आया अपना पिस्तौल लेके और सिपाही एक जन आया बंदूक लेके, तो हम लोग मजे से चले गए। तो हम लोग चूंकि म्यूजिक कर रहे थे, ड्राइवर डर रहा था, इसलिए ईश्वर ने माता मरियम ने हमारे लिए सुरक्षा कर दी, हम चले गए। और एक बिशप नाइजीरिया के बिशप ने मुझे बताया, हमें ग्रुप में थे, कि वहाँ पर संगठन है हम लोग के नक्सलाइट लोग से बहुत पावरफुल, वे लोग बहुत बदमाश करते हमारे क्रिश्चन लोगों को लोग मार कर वहाँ खत्म कर दिया। 156 लड़कियों को ले गए छुपा दिए, ऐसे बदमाशी लोग। तो बिशप प्रार्थना कर रहे हैं नीचे धन चक्र, तो हमारी एक मूर्ति मूर्ति किसी के सामने, और जो प्रार्थना कर रहा था बहुत ही, आप समझ सकते हैं कि उनके लोगों को लोग जान से मारने को किस भावना से प्रार्थना कर रहा था। माता मरियम की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति में तलवार हाथ में आ गया और मरियम ने कहा लो, तो उसने सोचा क्या मरियम क्या बोले, तलवार से लड़ने के लिए बोल रही क्या। तब फिर तलवार लेने के लिए वहां पहुंचा, तब वो तलवार ने रोजरी बन गई, रोजरी बन गई, तब वो समझ गया कि तलवार हम लोग को समस्याओं का हल हो सकता है। तो फिर उसने सब लोगों को कहा कि रोजरी करो, उनको सब समय मिला तो लोग रोजरी करने लगे। उसके बाद बताता है कि बिशप साहब से लोग कहीं जाते थे कि बीमार है तुम पहुंचाने के लिए, तो बोको हराम वालों को दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता, अदृश्य जाके ये लोग करके चले नजर में ही नहीं आते। उसके बाद में उसने बताया कि एक परिवार, इनका जो कैंप था बोको हराम का, वहीं पर उनका परिवार था, आप परिवार में वो लोग रोजरी करने लगे क्योंकि किसी भी दिन लोगों को कहीं से भागने का चांस नहीं था, किसी भी दिन उनको लोग बंदूक से लोग क्या कर रहे थे, 5 परिवार में थे, अब कितने दिन करेंगे, खाना पानी तो खत्म हो जाएगा ऐसा सोच के, तो बोले जब तक चलता है उनको। लेकिन विश्वास नहीं कीजिएगा, बिशप ने खुद बताया
कि उनके घर में जो रोटी कभी समझे, पानी कभी समझे, कई महीनों तक चले, कई महीनों तक जब तक वो खाना नहीं चले, सब रोज be with you and with your spirit. May God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.